वेलकम बैक टू माय वीडियो। आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अच्छी तरीके से होंगे और आप लोगों की गाड़ी भी अच्छी चल रही होगी। गुलाबी ठंड शुरू हो गई है, अब पेड़ों की भी ग्रोथ अच्छी हो गई है। और ये देखिए, मेरे सारे गुलदाउदी के जो प्लांट्स हैं इनमें सब में कितनी सारी ये कलियाँ नज़र आएंगी और कुछ दिनों पर ये खिलने लगेंगे। सब में देखिए कितनी कलियाँ ही कलियाँ हैं। और ये क्रैनबेरी हिबिस्कस का तो फ्लावर इतना खूबसूरत है, ये बराबर गार्डन में ये खिल रहा है, बहुत ही खूबसूरत। जितनी इसकी लीफ खूबसूरत है उतना ही इसका फ्लावर भी खूबसूरत। कॉक्सकॉम का भी फ्लावर धीरे धीरे ये बड़ा हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत ये नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, आज का मेरा मेन टॉपिक है कैलेथिया और नाटक के ऊपर। मैंने सोचा आप लोगों को कुछ अपने गार्डन के फ्लावर दिखा दूँ, तो अपने मेन टॉपिक के ऊपर मैं चलती हूँ। ये धीरे धीरे करके ये हिबिस्कस के फ्लावर भी ये देखिए ये खिलना शुरू हो रहे हैं, बहुत ये खिलते हैं और बराबर इनमें ये कलियाँ अच्छी आती रहती हैं। ये मधुकामनी में देखिए फिर से ये बढ़ाना शुरू हो गई है। कुछ प्लांट मेरे ये देखिए, टेंगल हार्ट, पर्पल हार्ट प्लांट ये देखिए सब डॉर्मेंसी पीरियड में चले गए हैं। फ्रेंड्स, इनको ऐसे ही रहने देना चाहिए, ये सीज़न आने पर अपने आप इनकी ग्रोथ हो जाती है और ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये ऐसे ही लटकते हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये देखिए सब इनकी लीव्स गिरने लगती है। तो ये बता देते हैं अपनी कंडीशन के अब मैं रेस्ट में जा रहा हूँ। तो इनको कोई ख़ास इनकी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, बस इनको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। इसकी भी हालत देखिए ख़त्म हो रही है, ये देखिए इसकी लीफ बिल्कुल येलो होकर के गिर रही है और इसमें ये फ्लावर आ रहे हैं। सबको मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ और सब सीज़न आने पर जैसे ही फरवरी और मार्च का महीना आता है इनकी ग्रोथ अपने आप स्टार्ट हो जाती है, ऊपर से नई ग्रोथ निकलने लगती है, नीचे से ये प्लांट्स अपने आप ये गिर जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, इनसे ज़्यादा मैं छेड़छाड़ नहीं करती हूँ। ये एक खूबसूरत ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल हाउस प्लांट है। फ्रेंड्स, इसका नाम कैलेथिया और नाटा है। ये एक पेरेन्नियल प्लांट है और इसके जो लीफ है ये बोथ साइड से देखिए इसकी ये पर्पल कलर की इधर होती है और फ्रंट में ये देखिए इसकी दो स्ट्राइप होती है पिंक कलर की। जब फ्रेंड्स ये न्यू अपनी लीफ निकालता है तो इसकी स्ट्राइप जो है वाइट कलर की होती है, दोनों साइड से दो दो होती है। और जैसे ही इसकी लीफ पुरानी होने लगती है तो ये देखिए इसमें ये पिंक कलर की इसकी लीफ होने लगती है। ये बहुत ही खूबसूरत है, लो मेंटेनेंस प्लांट है और इसको आप समझ लीजिए फ्रेंड्स, तो ये आपके गार्डन में हमेशा ये बरकरार रहेगा। इसको ब्राइट सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही लो सनलाइट इसको चाहिए। और अगर इसको बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट भी दे देते हैं तो इसकी टिप्स जो है ये ऊपर से ये बर्न होने लगती है। शाम होते ही फ्रेंड्स ये इसकी लीव जो है इस तरह से ये बर्न हो जाती है, इसलिए इसको प्रेयर प्लांट भी कहते हैं क्योंकि ये प्रेयर फैमिली से बिलोंग करता है। और ये प्लांट जो है फ्रेंड्स साउथ अमेरिका का नेटिव है। ये इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है और एक उनमें से एक ये है कैलेथिया और नाटा। इसको तो मैंने सोचा था शायद फ्रेंड्स ये मेरा प्लांट से ये ख़राब हो गया है, लेकिन देखिए जैसे ही बारिश हुई तो इसमें नीचे से ये प्लांट्स मेरा फिर से ये निकलने लगा और मैं बहुत खुशी कि ये मेरा प्लांट्स अभी भी ये बचा हुआ है। मैंने सोचा कि ये प्लांट्स मेरा ये ख़राब हो गया। इस पर मैं पहले भी वीडियो
बना चुकी हूँ। अब ये फिर से ये इसकी ग्रोथ हो रही है और निकलने लगा है। ये फ्रेंड्स केना लिली की तरह साइड साइड से अपने नए प्लांट्स बनाता रहता है, इसके पफ बनते रहते हैं, तो आप इसमें से निकाल करके इसको अलग भी कर सकते हैं। और सनलाइट की फ्रेंड्स बात हो गई थी, इसको बहुत ही लो सनलाइट चाहिए। और लगाते हैं टाइम फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी जो है, सॉइल जो है वेल ड्रेन होने चाहिए, पानी इसमें बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। इसमें मैंने पुरानी गोबर की खाद, सैंड और मिट्टी मिलाई है। अगर एक हिस्सा पुरानी गोबर की खाद है तो एक हिस्सा उसमें सैंड और दो हिस्सा उसमें मिट्टी मिला करके मैंने इसको लगाया है। नीम खली तो फ्रेंड्स हर प्लांट्स में डालना ज़रूरी होता है, उससे फंगस का अटैक बहुत ही कम होता है ये। और इस प्लांट्स पे फ्रेंड्स पानी तो बिल्कुल ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस प्लांट की एक ख़ास बात है कि इस प्लांट को मॉइस्ट मिट्टी पसंद है। अगर इसकी मिट्टी थोड़ी सी भी जब ड्राई हो जाती है तो ये प्लांट से फौरन नीचे की तरफ इसकी लीव जो है नीचे लटकने लगती है। बस पानी ओवर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसकी मिट्टी जो है वो मॉइस्ट होनी चाहिए। और इस प्लांट्स को अगर आप प्लांट्स के पास में रखते हैं तो इसकी बहुत अच्छी तरीके से ये सर्वाइव करता है और इसको बहुत ही ये खुश होता है। ये प्लांट्स देखने में फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। इसको आप लोग अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए, हर गार्डनर इस प्लांट को लगाना बहुत ही पसंद करता है। कोई ख़ास केयर नहीं मांगता है, बस इसके मेंटेनेंस का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि आप इसको, इसकी लाइट का और इसकी लोकेशन कहाँ पर होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना चाहिए कि इसकी लोकेशन का अगर आप ख़ास ख्याल रख लें तो ये प्लांट्स आपके गार्डन में हमेशा रहेगा। सीज़न आने पर ये अपने आप फिर निकलने लगता है। ओके फ्रेंड्स, आज की मेरी ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।